हेलो फ्रेंड्स, घर के देसी स्वाद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रायते तो बहुत सारे बनाए होंगे। आज हम बनाएंगे स्पेशल खीरे का रायता, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है, साथ में बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी हेल्पफुल है और हम साथ ही साथ हमारे खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा देगा। तो इस तरह का रायता आप भी बनाना चाहेंगे ना? साथ में हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि मैं आपको एक ट्विस्ट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप खीरे की कड़वाहट को दूर करते हुए उसमें एक स्पेशल मसाला ऐड करेंगे, जिससे खीरे का रायता और भी टेस्टी बढ़ेगा। तो चलिए, आइए हम फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं स्पेशल खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है खीरा। यहाँ पर मैं दो लोगों के लिए खीरा रायता बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक खीरा लिया। अगर आप चार लोग के लिए बना रहे हैं तो जस्ट डबल, यानी कि दो खीरा ले लीजिए। साथ में 250 ग्राम करीब मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है। ये है स्पेशल मसाला, जिसे मैं भी आपको बताऊंगी। यहाँ वो स्पेशल मसाला भी एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और पुदीने की पत्तियाँ कुछ, और एक हरी मिर्च। सबसे पहले हमें यहाँ जो खीरा है उसे हमें ऊपर इस तरह से, हम किस तरह से इसकी करवाहट निकालेंगे, देखिए ऊपर का हिस्सा कट करते हुए और इसमें डॉट्स बनाया, और फिर जो ये ऊपर का कवर था उसे धीरे धीरे हम इसे रब करेंगे। तब तक रब करना है जब तक कि ये फेना जो इसका है, यानी जो झाग है, करवाहट है, वो सारी झाग के रूप में ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, इसे और हम धीरे धीरे करके रब करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, ये 5 मिनट में फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए, सारा फेना ऊपर आ गया है। अब हम इसे, जो ऊपर का पार्ट है, इसे भी कट कर देंगे। देखिए, इस तरह हमने निकाल दिया है। अब हम चेक कर लेंगे खीरा कड़वाहट बची है क्या। ये देखिए, इसे हम एक स्लाइस कट करते हुए जो टेस्ट कर लेंगे, यानी खीरा कड़वा नहीं है। अब हम इसका रायता बनाएंगे। उसके लिए हम इस तरह से पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे, या आप नाइफ़ की हेल्प से भी इसे धीरे धीरे पील कर लीजिए। ये जो खीरा है, ये खाने के टेस्ट के साथ में ही बहुत ही बढ़िया भी होता है। जैसे कि आपको पता है, ये अगर सिर दर्द की समस्या है तो आप इसको कट करके या फिर इसको कद्दूकस करके आप जो इसका रसा है उसे सिर के ऊपर लगाएं, 10 मिनट के बाद उसे वॉश कर लें। या फिर अगर आंखों में जलन हो रही है तो इसके गोल गोल स्लाइसेस कट कर लीजिए और आइस के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, जिससे आंखों को ठंडक पहुँचने के साथ में ही सिर में ठंडक भी पहुँचती है। ये देखिए, यहाँ पर जो खीरा है उसे अब हम कद्दूकस भी कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए आपको महीन वाले जो साइड वाले पार्ट्स हैं उन पे नहीं, जो ये मोटा वाला पार्ट है उसके उधर से कद्दूकस करना है, क्योंकि जब इसके मोटे मोटे लच्छे आते हैं तभी खाने का टेस्ट बढ़िया लगता है। अगर आप महीन पार्ट हो जाएगा, रसा एकदम निकल जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, खीरे का रायता बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से बन जाता है फटाफट से। यहाँ पर जो हमने कर्ड लिया था, इस कर्ड को हम मथनी की हेल्प या इस तरह से स्पून की हेल्प से फटाफट से इसे फेंट लेंगे, ताकि एकदम एक रस हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से कर लेनी है। साथ ही मैंने जो यहाँ पर जो कद्दूकस किया हुआ, साथ ही यहाँ पर मैं नमक बिल्कुल हल्का सा डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, और हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो कद्दूकस किया हुआ खीरा था उसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए हमें फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं पुदीना फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पुदीना डाला। आप चाहे तो इसमें धनिया भी कट करके डाल सकते हैं। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है खीरे के रायते में। और साथ में मैंने यहाँ पर देखा आपने पानी भी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा सा थिक लग रहा था। 4 से 5 चम्मच करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब हमारा खीरे का रायता बनकर रेडी हो गया है। अब इस रायते को अब हम एक बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब ये खीरे का रायते को आप चाहे तो कभी पराठे अचार के साथ में भी खा सकते हैं, या फिर दाल चावल सब्जी रोटी बनाइए और उसके साथ में ये रायता भी बनाइए। वाह, खाने का स्वाद बहुत ही बढ़िया दोगुना हो जाएगा। ये है स्पेशल मसाला जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर 1 चम्मच करीब जीरा पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ। इन सारी चीज़ों को तवे पे एकदम सीम आंच पे पहले हमें इसे भून लेना है।
भूनते ही इसमें खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में आप पीस लीजिए और इसे आप डिब्बी में भर कर रख लीजिए। जब कभी भी आप रायता बनाएं तो ये मसाले को ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दीजिए। देखिए खाने का स्वाद यानी कि रायते का स्वाद बहुत ही बढ़िया, खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। दोस्तों आप लोग भी घर पे इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसे भी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।